हेलो मैं ऑल लवली स्टूडेंट्स आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आज आप लोग के कंप्यूटर का लेक्चर है क्लास फोर का चैप्टर फर्स्ट इसके पहले मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट का मेमोरी यूनिट तक पढ़ाया था मैंने मेमोरी साइज मेमोरी यूनिट यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ठीक है अब उसके आगे पढ़ेंगे इस इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मेमोरी मेमोरी के प्रकार ठीक है अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए आपको प्ले में क्लास फोर में आपको लेक्चर मिल जाएगा ठीक है आपको सर्च भी नहीं करना होगा और आप इसके पहले का पार्ट वन जरूर देखिएगा तभी आपको नेक्स्ट लेवल समझ में आएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लेट्स गेट स्टार्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी मेमोरी के प्रकार कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ थ्री टाइप्स कंप्यूटर मेमोरी तीन प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी रीड ऑनली मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ठीक है कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी रीड ऑनली मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ठीक है द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी सोन इन फिगर जो मेमोरी का वो जो वर्गीकरण है कंप्यूटर की मेमोरी का वो नीचे फिगर में दिया गया है ठीक है क्या है ये है आपका देखिए ये आपका फिगर है जिसमें आपके कंप्यूटर मेमोरी को बताया गया है ठीक है वन सेकेंड हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी सबसे पहले क्या है आपका प्राइमरी मेमोरी इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं ठीक है थीके? और प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म रैम का फुल फॉर्म क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है उसके बाद आपका आता है सेकेंड पॉइंट रीड ऑनली मेमोरी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं रोम रीड ऑनली मेमोरी को शॉर्ट में क्या कहते हैं रोम ठीक है अब उसके आप बाद आपका आता है थर्ड स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी का इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी ठीक है एक्सटर्नल मेमोरी का सेंस क्या होता है जो कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होती ठीक है थीके? उसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं जैसे हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क फ्लैश ड्राइव मेमोरी स्टिक ये सब क्या है इसे हम कंप्यूटर में इंसर्ट भी कर सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं ठीक है थीके? ये कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं रहती है इसे कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या है हार्ड डिस्क सी डी डी वी डी ब्लू रे डिस्क फ्लैश ड्राइव मेमोरी स्टिक ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब आपका आ गया प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले हम डिटेल में जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है ठीक है प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं ठीक है थीके? माय डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर के टर्म्स को अब यहाँ पे जैसे इंटरनल मेमोरी है ठीक है इसे आंत अब यहाँ पे इंटरनल का यहाँ पे आप लोग हिंदी पे मत फोकस करिए यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के जो टर्म है उसे इंग्लिश में ही आप लोग जानो ठीक है इंटरनल मेमोरी दिस इज द मेन एरिया इन कंप्यूटर वेयर डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन आर यू स्टोरड द जो मेन दिस इज़ द मेन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये क्या है कंप्यूटर का मुख्य भाग है मुख्य क्षेत्र एरिया मतलब क्या मुख्य भाग है जहाँ पे डेटा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन स्टोर होता है किस में प्राइमरी मेमोरी में ठीक है एनी स्टोरेज लोकेशन इन दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सी स्टोरेज का लोकेशन चाहे जो भी हो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है मतलब सीपीयू डायरेक्ट डेटा को प्राप्त कर सकता है उसकी लोकेशन चाहे जो भी हो लोकेशन का सेंस जैसे हम लोग फाइल वगैरह सेव करते हैं ना उसको अलग अलग भाग कई फोल्डर बना के सेव करते हैं कई ड्राइव में सेव करते हैं ठीक है थीके? तो सीपीयू डायरेक्ट कहीं से भी उसका कोई भी अपने स्टोरेज का लोकेशन दिया हो सीपीयू एक्सेस कर लेता है डायरेक्टली ठीक है द सी पी यू नीड नॉट बींग बेगिन सर्चिंग फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन ऑन वर्ड्स सी पी यू को आवश्यकता नहीं होती है कि वो फर्स्ट लोकेशन से सर्च करना स्टार्ट करें ठीक है एज द सी पी यू कैन रैंडमली एक्सेस एनी स्टोरेज लोकेशन इन दिस मेमोरी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी सी पी यू क्या करता है रैंडमली एक्सेस कर सकता है स्टोरेज लोकेशन को मेमोरी में ठीक है और इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या है आपका रैम द डेटा वी फीड वाइल वर्किंग इज ऑल्सो टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रैम जो डेटा वी फीड वाइल वर्किंग काम करते टाइम जो भी डेटा हम फीड करते हैं उसे टेम्पोरली परमानेंट नहीं टेम्पोरली स्टोर का मतलब क्या होता है कुछ टाइम के लिए रैम में स्टोर हो जाता है वो डेटा ठीक है सो so, इसलिए बिफोर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर द डेटा हैज़ टू बी सेव्ड ऑन टू अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इसलिए कंप्यूटर को ऑफ करने से पहले जो भी वर्क आपने किया है जो भी डेटा आपने कंप्यूटर पे बनाया है उसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में सेव करना चाहिए परमानेंट मेमोरी में उसे सेव करना चाहिए ठीक है क्योंकि जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसमें जब आप काम करते हैं डेटा स्टोर रहता है लेकिन वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है परमानेंट नहीं रहता है आगे देखते हैं रैम इज ऑफ एन कॉल्ड अ वोलेटाइल और टेम्पोररी मेमोरी रैम को वोलेटाइल या टेम्पोरी मेमोरी भी कहते हैं बिकॉज क्योंकि द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ड इफ द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ क्योंकि जो इसमें डेटा स्टोर इस है जय रैम में जैसे ही कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होती है यानी कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं ये जो डेटा होता है क्या वॉलेटाइल हो जाता है ख़त्म हो जाता है ठीक है जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं ठीक है वेन वी स्विच ऑन कंप्यूटर द सेव डेटा एंड सॉफ्टवेयर अगेन रीलोड ऑन टू द रैम जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं मीन्स कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो डेटा सॉफ्टवेयर में रहता है सेव रहता है जो सेव रहता है वो अगेन रोम में रिलोड हो जाता है लेकिन अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में तो आपका डेटा गायब हो जाएगा ठीक है वापस कंप्यूटर ऑन करने में भी, भी आपको डेटा नहीं मिलेगा इसलिए इसे हम कहते हैं वोलेटाइल या टेम्पोरी मेमोरी यानी इसमें डेटा फीट होता है लेकिन वो Temporary, जब तक कंप्यूटर का स्विच ऑन है ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। सिंस रैम इज़ द प्लेस ऑल द वर्क इज डन डेटा कैन बी रीड एंड रिटर्न इन रैम सो रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी रैम क्या है ऐसा प्लेस है जहां पे सभी जो डेटा होते हैं होते हैं सभी जो काम जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं डेटा को रीड कर सकते हैं हम डेटा को राइट कर सकते हैं इसलिए रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी टाइप के काम किए जा सकते हैं जैसे डेटा को रीड करना हो या डेटा को राइट करना हो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया रीड राइट मेमोरी ठीक है स्टूडेंट्स कंप्यूटर में ज़्यादातर जो इसका नेम होता है उसमें ही उसकी मीनिंग होती है जो भी स्टोरेज का जैसे परमानेंट मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी प्रीमलरी मेमोरी तो इसका नेम ही इसको डिफाइन कर देता है कि इसका वर्क क्या है ठीक है चलिए देखते हैं रीड ओनली मेमोरी जिसे शॉर्ट में कहते हैं रोम ये क्या है रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन कैन यूजअली ओनली बी रीड रेंड रीड ओनली मेमोरी यानी रोम किस टाइप की मेमोरी है जहाँ पे डेटा या इन्फॉर्मेशन को यूजुअली प्राय क्या किया जाता है ओनली रीड कर सकते हैं हम डेटा को रीड ओनली मेमोरी में डेटा को हम ओनली रीड कर सकते हैं दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज रीड ओनली मेमोरी इसलिए इसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं ठीक है आप लोगों से मैंने कहा था ना कंप्यूटर का जो डिवाइस का जो नेम है वही डिफाइन कर देता है कि इसका टास्क क्या है इसका लेवल क्या है ठीक है चलिए देखते हैं रोम कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाई द यू रोम सी पी यू के द्वारा डायरेक्टली यानी डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है बट लेकिन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम आर रिटेंड इवेन वन द कम्प्यूटर इज स्विच ऑफ लेकिन डेटा और जो इंस्ट्रक्शन रोम में होता है जो रोम में सेव होता है उसे हम वापस से पा सकते हैं जब हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें तब भी डेटा इससे डिलीट नहीं होता पीछे आप लोगों ने पढ़ा था रैम रैम में क्या था डेटा डिलीट हो जाता था स्टार्टिंग में जो भी हम काम कर रहे हैं वो डेटा रैम में स्टोर होता था लेकिन स्विच ऑफ किया तो डेटा डिलीट लेकिन रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी में ऐसा नहीं है कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ कर देंगे तब भी इसका डेटा स्टोर रहता है इसमें डिलीट नहीं होता है ठीक है द काइंड ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी काइंड ऑफ मेमोरी जिस मेमोरी के प्रकार में आप डेटा को क्या कर सकते हो वापस से प्राप्त कर सकते हो स्विच ऑफ करने के बाद भी कंप्यूटर उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी रैम को क्या कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी क्योंकि डेटा उसमें टेम्पोररी टाइम के लिए रहता है स्विच ऑफ डेटा खत्म लेकिन जिन मेमोरी का डेटा स्विच ऑफ करने के बाद भी कंप्यूटर उसमें सेव रहता है उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी ठीक है आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या है हार्ड डिस्क क्या है एक एक मेमोरी के बारे में हम बहुत डिटेल में देखेंगे ठीक है आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा अगर लेक्चर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग को अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है थीके? Thank you so much for listening to me be happy stay healthy stay safe bye bye have a good day